हेलो दोस्तों, सभी को हर वीडियो में रणवीर सिंह राठौड़ एंड टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत। सभी दोस्तों का, सभी देखने वालों का, सभी दर्शकों का। ये हम लोग बालकोनी का टाइल अभी लगाने जा रहे हैं। ये टाइल है, बालकोनी में क्या है, थोड़ा ये रहता है पानी का, तो हमने पानी जाने के लिए बालकोनी में 2.5 सेंटी मतलब 1 इंच का स्लोप डाला है, स्लोप दिया है। और ये टाइल है, ये कलर का टाइल है, बहुत ही अच्छा टाइल है। और अभी पूरा बालकोनी लगा के दिखाता आपको किस तरीके से ये बालकोनी में लगेगा। तो कोई भी टाइल जैसा लगाने वाला रहेगा तो आप इस टाइल के कलर को, ये कैसा दिखता है बालकोनी में फ्लोरिंग में, तो आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा रफ टाइप में है ताकि पैर फिसलेगा नहीं, इसके ऊपर पानी वानी गिरेगा और कोई चलेगा तो इसके ऊपर क्या पैर भी नहीं फिसलेगा। और टाइल का कलर भी अच्छा है, मस्त कलर है। और पुराने टाइम का जैसा ये मंजिया आता था, मंजिया टाइल चलने से पहले मंजिया आता था, वो कलर का ये टाइल है, अच्छा टाइल है। अभी आपको पूरा फिटिंग करके दिखाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमने अभी ये बालकोनी के टाइल का बनाया है पार्ट बना। ये साइड से ये टाइल मैंने फिक्स किया है, इसके बाद में आगे ये पूरा लाइन गया है और ये लाइन गया है। इधर हम लोग है वो ग्रेनाइट का पट्टा डालेंगे और जो टुकड़ा टाइल का टुकड़ा होता है वो इधर टुकड़ा डालेंगे। और दूसरा मिस्त्री कोई भी टाइल लगाता है तो दीवार का साइड का जो प्लास्टर होता है वो कट करना चाहिए, ताकि जो नीचे ईंट रहता है या चीरा पत्थर रहता है, तो जिस चीज की दीवार बनी रहती है उसको टाइल लगभग कट होना चाहिए, ताकि ऊपर 3 इंच का 4 इंच का जो भी स्कटिंग लगाता है वो स्कटिंग के नीचे वो टाइल दबना चाहिए। तो हमने एकदम दीवार के टच करके टाइल लिया है और ये साइड में हमने दीवार के एकदम टच करके लिया है। और इधर हम लोग ग्रेनाइट लगाएंगे, अभी थोड़ी देर में हम लोग सीमेंट पानी से टाइल फिक्स करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। थैंक यू।